नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल आपके साथ, मैं हूँ रीना। पंचांग के अनुसार आज शनिवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी की तिथि है। आज का दिन विशेष है। आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है। इसके अलावा आज श्रवण नक्षत्र है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। आज आपका राशिफल। मेष राशि, आज के दिन लोभ लाभ से खुद को दूर रखने की सलाह है आपको। नौकरी में संपर्क बनाने के लिए सभी लोगों से मेलजोल बढ़ाकर रखें। मन अशांत हो तो आज कुछ धार्मिक किताबों को पढ़ना उत्तम रहेगा। ऑफिस में काम का दिन आज लगभग सामान्य ही रहने वाला है। ऐसे में काम जल्द खत्म कर संभव हो तो घर आकर परिवार संग समय बिताएं। धातु का व्यापार करने वाले कारोबारियों को अच्छा लाभ होगा। घर में सुरक्षा उपकरणों को लेकर सतर्कता रखनी होगी। युवाओं को करियर को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन अराजक बनने से बचे। सेहत में हड्डी रोग तकलीफ दे सकते हैं। परिवार में मेहमान आने की आशंका है। वृषभ राशि, आज के दिन आपको कमाई और खर्च का तालमेल बिगड़ने ना देना है। कामकाज में बढ़ोतरी के लिए खुद को अपडेट करते रहें। ऑफिशियल ड्यूटी में इसकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ऑफिशियल वर्कलोड बढ़ने से मूड ऑफ हो सकता है। टीम वर्क से काम करना अच्छा परिणाम देगा। स्टेशनरी के कारोबार में बिक्री से अच्छा मुनाफा होगा। युवाओं के लिए रूटीन कामकाज में लापरवाही ठीक नहीं होगी। वाहन बिगड़ने से यात्रा में परेशानी हो सकती है। हाई बीपी के मरीजों को अलर्ट रहना होगा। बीमार चल रहे लोगों को लापरवाही करना ठीक नहीं है। घर के मुद्दों पर सोच विचार कर बात रखें। पिता की बातों का सम्मान करें। मिथुन राशि, आज के दिन विवाद आपके सम्मान के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। सतर्क रहें, दूसरों की गलतियों के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे में किसी भी विवादित मुद्दे पर बिना मांगे सलाह ना दें। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को सतर्क। फुटकर विक्रेता हैं तो डॉक्टर की पर्ची किसी अनजान व्यक्ति को दवा ना बेचें। कारोबारियों को सरकारी नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। यात्रा कर रहे हैं तो सहयात्री पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य में साइटिका मरीज परेशान रह सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। वाहन दूर रहती है तो आज भेंट होने की भी संभावना है। कर्क राशि, आज के दिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर फोकस करें। मन भटक रहा है तो घनिष्ठ वरिष्ठ की सलाह काम आएगी। कोई बड़ा फैसला फिलहाल ना करें। फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहे लोगों के मन मुताबिक डील मिलेगी। दूध कारोबारी फायदे में रहेंगे। तेल या सामान्य उपयोग के सामान की बिक्री करने वाले लोग लाभ कमा सकेंगे। सेहत में बीमार लोगों की तकलीफ बढ़ सकती है। ऐसे में डॉक्टर की यदि किसी टेस्ट आदि के लिए कहा है तो लापरवाही ना बरतें, उसे जल्द करा लें। दिनचर्या में ध्यान और योग अभ्यास शामिल करें, लाभ मिलेगा। परिवार में शुभ चिंतक या नजदीकी लोगों के बीच आपकी छवि अच्छी होगी। सिंह राशि, आज के दिन सकारात्मक रहें और इष्ट देव का स्मरण करें। किसी को उकसावे में ना आए। लोग अपना काम निकालने के लिए आपको मोहरा बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को पूरी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। इससे न सिर्फ आय की वृद्धि होगी बल्कि प्रमोशन की संभावनाएं भी बनेंगी। व्यापारियों को कानूनी दावपेच से बचना होगा। फिटनेस की समस्या हो सकती है। कसरत और योग को नियमित दिनचर्या में जोड़ने से लाभ होगा। इस राशि की महिलाओं को फिसलने वाली जगह पर चलते समय सावधानी रखनी चाहिए, चोट लग सकती है। अभिभावकों को संतान के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। कन्या राशि, आज का दिन शांत रहने से उलझे स्थितियां सुधर जाएंगी। सभी से व्यवहार समान हो इस ओर ध्यान देना चाहिए। मन शांत रखने के लिए गुरु का ध्यान करें। संभव हो तो जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी। ऑफिस में बॉस से तालमेल बनाना होगा। कारोबार में ट्रांसपोर्ट से जुड़ा काम करने वालों को ग्राहकों का ख्याल रखना होगा। तालमेल बिठाकर काम करना होगा। फिलहाल ग्रहों की स्थितियां बेहतर लाभ दिलाने के इशारा कर रही हैं। बीमार चल रहे लोगों को आज भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं मिर्च मसाले वाले भोजन से बचे। परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है। तुला राशि, आज के दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। बिगड़े काम बनाने के लिए पूरी तरह ताकत झोंकनी होगी तो वहीं दूसरी ओर पेंडिंग काम पूरे कर सकते हैं और नौकरी के लिए सतर्कता बनाए रखें। सरकारी नौकरी को लेकर कोई मामला कोर्ट कचहरी में है तो नए रास्ते खुलेंगे। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर रहे हैं तो अच्छा लाभ योग है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बेहतर मुनाफा होगा। ब्रांड या क्वालिटी के प्रति फोकस बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य में अधिक चिंता या थकान नुकसानदेह होगी। परिवार में तनाव का माहौल को हल्का करने का प्रयास करें। घर में कीमती सामान खराब होने की भी आशंका बनी हुई है। वृश्चिक राशि, आज के दिन करीबी लोगों का भरोसा खोने से भविष्य में सहयोग की संभावनाएं कमजोर होती नजर आ रही हैं। विरोधियों की साजिश को समझें, खुद को भ्रमित होने से बचाएं। तो वहीं दूसरी ओर जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं होगा। नौकरी के लिए बड़ी कंपनी से ऑफर आ सकता है। कारोबारी अधिक मुनाफे के लिए आंख मूंद कर उधार ना बांटें। युवा वर्ग यातायात नियमों का पालन करें क्योंकि ग्रहों की स्थितियां दुर्घटना का शिकार बन सकती है। घर में खरीदारी की प्लानिंग कर रहे हैं तो गैर जरूरी सामान की लिस्टिंग करने से बचें। अपनों से मनचाहा उपहार की उम्मीद है।
धनुराशि, आज का दिन खुद को सकारात्मक विचारों से भरपूर रखें। घर और नौकरी या कारोबार हर जगह आपकी बातों का महत्व मिलेगा। गंभीरता दिखाएं और व्यर्थ की बातों से बातचीतों से दूर रखें। ऑफिस में सहकर्मियों से तनाव हो सकता है, ध्यान रखना होगा कि बेवजह के विवाद में ना पड़े। मेडिकल या केमिस्ट का काम करने वालों के लिए समय अच्छा चल रहा है, धातु से जुड़ा काम भी लाभ देगा। तो वहीं दूसरी ओर फूड बिजनेस में हाथ डालने से पहले कुछ समय के लिए छोटा निवेश कर उसको समझने का प्रयास करें। स्वास्थ्य में हड्डी गठिया रोग तकलीफ बढ़ा सकता है, संतान की संगति पर पैनी निगाह रखें। मकर राशि, आज के दिन किया गया काम आपको सफलता दिलाएगा। व्यक्तित्व उभारने के लिए वरिष्ठ जनों की बात या स्टाइल से प्रेरणा लेना भी सार्थक होगा। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है। ऑफिस में कामकाज समय से पूरे होंगे। राजनीति या सामाजिक जीवन में है तो मान सम्मान और स्वीकार्यता बढ़ेगी। व्यावसायिक कामकाज में दक्षता से ही सफलता मिलेगी। जीवन साथी को पार्टनर बनाने से कारोबार में तेजी आएगी। युवाओं को लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर में कैल्शियम की कमी से दिक्कतें हो सकती हैं। किसी परिचित का जन्मदिन है तो उसे अवश्य उपहार देना चाहिए। आज के दिन कई चुनौतियों के बाद सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्यस्थल पर सिर्फ अपने काम पर फोकस करें तो वहीं दूसरी ओर कामकाज का बोझ भी रोज से अधिक हो सकता है। ऐसे में घबराएं नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो पुख्ता कार्य योजना बनाकर उसे पूरा करें। नौकरी बदलने के लिए भी समय बेहद सही है। प्रयासों में थोड़ा और बढ़ोतरी की जरूरत है। मौका मिलता है तो सोच विचार में पढ़कर न गवाएं। कारोबारी में मंदी परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य में त्वचा और आंख की समस्या रहेगी। घर में शांति और सौहार्द का माहौल रखना होगा जिसमें सभी का सहयोग मिलेगा। मीन राशि, आज के दिन आप असमंजस की स्थिति है तो तुरंत किसी अपने से शेयर कर उसका समाधान खोजें। अपनों के बीच प्यार का मेल बनाए रखें जिससे लोगों का दिल जीतने में आप सफल हो रहेंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के प्रमोशन की संभावना है तो वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को लापरवाही महंगी पड़ सकती है। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों को बड़ा व्यापार बढ़ाने की सही समय है, अच्छा मुनाफा होगा। स्वास्थ्य में स्थिति अनुकूल है, बस बासी भोजन या जंक फूड के इस्तेमाल से बचना होगा। घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें उपहार देकर प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।